शरबंशी दानीय सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का प्रकाश उत्सव 8 दिवसीय महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। महोत्सव के 7वें दिन तिलकपत स्थित श्री गुरुद्वारा साहब में भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की छत्र छाया में पंच प्यारों की अगुवाई में निकले नगर कीर्तन का जगह जगह भव्य सामाजिक संगठनों व्यापारियों के द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। गुरु सिंह सभा के प्रधान हरचरण सिंह भाटिया, सेक्रेटरी कमलजीत सिंह गोधी ने बताया कि दोपहर 3 बजे कीर्तन की शुरुआत हुई। सुसज्जित बग्घी में गुरु ग्रंथ साहिब विराजित किए गए। गुरु ग्रंथ साहिब की बग्घी की पंच प्यारे प्रभुजोत सिंह भाटिया, हरचरण सिंह भाटिया और सतिंदर सिंह भाटिया, रंजीत भाटिया, मंजीत सिंह भाटिया की अगुवाई में की गई। निशानदेही हरदीप सिंह भाटिया लेकर चल रहे थे। नगर कीर्तन के दौरान समाजजनों ने स्वच्छता का संदेश देते हुए पंच प्यारों और संगत की अगुवाई में झाड़ू लगाकर मार्ग की सफाई की एवं राहों में फूल बिखेरे गए। स्त्री सत्संग जत्थे में शब्द से गुरु की महिमा का जसगान किया गया। बैंड बाजों की धुन पर बजती गुरुवाणी से पूरा जो शहर था वह भक्तिमय हो गया। गुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हिंद रक्षक सरबंश दानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आज सिख समाज द्वारा खरगोन शहर में नगर कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं समूचे सिख समाज एवं शहर के समस्त नागरिकों को लख लख बधाइयां देता हूं एवं आग्रह करता हूं कि नगर कीर्तन में उपस्थित होकर गुरु घर की खुशियां प्राप्त करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी। में श्री गुरु ग्रंथ साहिब फूलों से सजी पालकी में विराजित होकर निकले हैं। इस पालकी की सेवा सरदार मनजीत सिंह चावला परिवार द्वारा की जा रही है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।